गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज 28 अगस्त है और 23 अगस्त को मैंने कुछ शूट किया था और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो क्या था वो आप देखो, फिर मैं जिम की बात करता हूँ। तो सीन ऐसा था कि 23 अगस्त को राखी थी, मतलब रक्षाबंधन, मेरी या मारवाड़ी, जो भी आप बोलो। और आपको बहुतों को पता होता है, बट बहुतों को नहीं पता होता कि रक्षाबंधन जो मेरी मारवाड़ी होती है वो 15 दिन बाद आती है, मतलब गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन आती है, ठीक है। सो उसकी पीछे कहानी क्या है मुझे नहीं पता, और एक दो चीज़ें मुझे भी नहीं पता चली क्यों होती है। जैसे कि राखी खाली भाइयों को बांधनी चाहिए, बट मैंने यहाँ मेरे में देखा है कि बुआ भतीजे को भाभी सब एक मिक्सअप होके बांध देती है। मैंने पूछा, बट मुझे इतना ही पता चला है कि मतलब वो बहुत पुराने टाइम की कहानी है, जो मतलब राजा महाराजा होते थे वो लड़ाई के टाइम वो मूली वगैरह बांध के फिर लड़ाई करने जाते थे। उसके बाद ये साइकिल चेंज हो गई, और ये क्यों होने लगा मुझे आइडिया नहीं, बट थोड़े टाइम बाद मैं अपनी दादी से पूरी चीज़ पूछूंगा, फिर अच्छे से बात करूंगा। तो फिलहाल तो मैं भी अपने जिम में हूँ, जिम में क्यों हूँ उसका ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पूरा डंबल एरिया, ये चेस्ट, ये अपने बैक के लिए, और ये पुलअप, और ये लेग के लिए भी यूज़ होता है, शोल्डर के लिए भी यूज़ होता है, ये रॉड एरिया यहाँ पे वो, और यहाँ पे भी एक ये रहा, इसके अंदर रॉड डाल के बैक मारते हैं वो। चेस्ट के लिए बेंच, और वो बाइसेप के लिए, एंड ये इसके भी शोल्डर स्क्वाट या बैक डेडलिफ्ट कुछ भी मार लो। ये बैब्स के लिए, यहाँ से पकड़ के पेट को खींचो पेट के लिए, लेग प्रेस। अच्छा ये भी तो, ये फोरआर्म के लिए, और ये अपना सिपे आप एल्स मारते हैं, शोल्डर ट्राइसेप जो मारते हैं वही, नाम तो मुझे कुछ कुछ का नाम भी नहीं पता। ये केबल एरिया, साइकिल, कार्डियो। तो भाई ऐसे तो मेरी पूरी लॉकडाउन में बॉडी की टेस्ट नेस हो चुकी है अभी, तो अब इसके लिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन और सब बोलते हैं डाइट वाइट सब सही करना पड़ेगा। सो अभी तो ऐसे ट्राई के लिए एक दिन के लिए आया हूँ मैं, बट आई डोंट नो मैं जिम कब स्टार्ट करूँगा, और जब जिम स्टार्ट करूँगा तो अच्छे से बोलते हैं एक टारगेट रखूँगा, टारगेट के हिसाब से मैं पूरा प्रोटीन वगैरह डाइट सब आपके साथ शेयर करूँगा मैं। सो अभी तो मैं ये बोल रहा था कि मतलब पूरी बॉडी की मरम्मत करनी है, बॉडी की मरम्मत से ज़्यादा तो पहले पेट की मरम्मत करनी है, मतलब थोड़ा सा यू नो हाथ में आ रहा है। अफकोर्स आएगा लॉकडाउन, 4 महीने एक्सरसाइज नहीं की घर पे, वो थोड़ा सा मार मार के मतलब हुआ नहीं। सो थोड़ा थोड़ा सही करना पड़ेगा। जिम अभी खुले अपने को पता नहीं कब चालू होगा, कब आएंगे, कब स्टार्ट होगा। फिलहाल तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पुलअप, मतलब जो पुल डाउन जो बैक की होती है वो, ये मशीन, हर एक चीज़ की सेट मार लेता हूँ, या दो दो सेट मार लेता हूँ। रेपिटेशन कुछ 20-30 रेपिटेशन मैं हिसाब से मार लूँगा, ठीक है। So let's start. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. So guys, मुझे 15-20 मिनट हो गए, मतलब कुछ
मारते मारते एंड अपनी फीलिंग बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ अभी। मतलब चेस्ट और शोल्डर थोड़ा सा मारा मैंने, बट आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग राइट नाउ। मतलब मैंने कितना याद किया ये वर्कआउट, ये जिम, और मुझे अभी सांस में सांस आई जब मैं ये 4-5 महीने बात कर रहा हूँ। फीलिंग सो गुड। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body. Workout तो हो गया and gym से भी free हो गया मैं, तो अभी घर पे जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा एंड अच्छा खासा पंप भी आ गया आज। ऐसा लगता है कि 5-6 पत्थर डाल दिए मेरे बॉडी में। मतलब समझ रहे हो ना, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब आई कांट एक्सप्रेस, जैसे मैं पहले बोला था वही सेम अभी बोल रहा हूँ मैं। एंड जिम में कोई आज भारी कुछ उठाया नहीं, वही नॉर्मल हैवी कुछ नहीं था, लो वेट, एकदम फ्री वेट बोल सकते हैं वैसे ही वेट में उठाया। ज़्यादा रेपिटेशन नहीं था, ज़्यादा कोई एकदम बोलते ना जड़ू वाला नहीं था, एकदम नॉर्मली थोड़े बहुत सेट मारे और थोड़े बहुत मैं बस पड़ गया 1 घंटे किया नॉर्मल जो करते हुए। सो अभी पता नहीं जिम में कब स्टार्ट करूँगा कब नहीं, बट आई होप मेरी फीलिंग्स गट्स फीलिंग आ रही है जल्द स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो जब भी स्टार्ट करूँगा वो ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन जो भी बोलते हैं अच्छे से बना के 3 महीने 1 महीने जितने का भी वो डालूंगा मैं। तो तब तक थोड़ा वेट कर लो और शेयर भी करूँगा वो भी चीज़ में, प्रोटीन कौन से लेता हूँ, डाइट क्या हुआ सब कुछ। तो तब तक मैं घर पर वही नॉर्मल एक्सरसाइज करूँगा 2-3 दिन और फिर जिम स्टार्ट कर दूँगा मैं। एंड ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लाइक नहीं तो कमेंट कर देना, ठीक है। और बस जल्द मिलूँगा अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।